इंडिया स्ट्रांग था क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत मूव कर रही थी बॉलिंग, जिसकी वजह से स्पिनिंग उन्होंने बहुत अच्छा अपने स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खिलाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का स्कोर कम बना है और टारगेट कम था। अदरवाइज दूसरी जाने नजम सेठी साहब की भी बड़ी इसमें गलती है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और ये उस पूरी टीम को गंदे अंडे पड़ने चाहिए वापसी टाइम, क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको आलमी सतह पर भेजा जा सके। बस इंशाल्लाह कहे तो हम नहीं सकते हैं, बहुत मायूसी हुई है। हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, बहुत मेहनत करेगा, लेकिन इन्होंने आज अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। आज का मैच आपको क्या बताऊं, हमारे खिलाड़ियों की आंखें साथ नहीं दे रही, वो खेल रहे होते हैं और मैंने फील किया है कि वो शायद उनका मन जो है ना वो उन्हें शर्मिंदा कर रहा है खेलते खेलते, और उनकी आंखें उनका साथ नहीं दे रही। और पाकिस्तानी टीम किसी से कम नहीं है, कहीं कुछ दाल में काला है। हमारी जो पीसीबी है उसको देखना चाहिए कि दाल में क्या काला है। जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े।